बिसमीम मोहतरम नाजरीन अगर आप चाहते हैं कि आप अपने ब्लॉक चैन यानी क्रिप्टो करेंसी की ई वॉलेट को अपने मोबाइल एप्लीकेशन के ज़रिए से हैंडल करें आपके मोबाइल के अंदर एक एप्लीकेशन हो तो उसका एक सिंपल तरीक़ा तो ये है जो आपको मैं इसी वीडियो के अंदर बताऊंगा लेकिन उसके साथ साथ आपको दो ऑप्शन होते हैं एक तो यह कि आपके पास आई और पासवर्ड हो आप उस मोबाइल के अंदर लागिन कर लेंगे दूसरा तरीका ये है कि आप अपने लैपटॉप के अंदर अपने वो ब्लॉकचेन की आईडी ओपन करें जैसे मैं आपके सामने ओपन करने जा रहा हूं ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन वॉलेट अभी आपके सामने ओपन होगा और इसको देखें कि जब आप इसको ओपन कर लेते हैं यहां पे मैं जाऊंगा लॉगिन के अंदर लॉगिन करने के बाद आ, मेरा पासवर्ड क्योंकि यहाँ पे मैंने सेव किया हुआ है ये मेरा एक डमी अकाउंट है आपने कभी भी अपनी वॉलेट आईडी और पासवर्ड किसी को शो नहीं करना इसको मैं लॉगिन करता हूँ लॉगिन करने के बाद बड़ा ही सिंपल और आसान सा तरीका है कि सिर्फ़ आप मोबाइल को उस स्कैन बार कोड के सामने रखेंगे और आपका मोबाइल आपके ब्लॉकचेन वॉलेट को एक्सेस कर लेगा आप क्या करेंगे कि यहाँ पे लैपटॉप या डेस्कटॉप के अंदर जो आपने अकाउंट बनाया होगा ये आपके सामने शो हो चुका है इस वक्त आप सेटिंग में जाएंगे सेटिंग में जाने के बाद आपने क्लिक करना है जनरल सेटिंग को जनरल सेटिंग के अंदर जब आप आते हैं तो यहाँ पे आपके सामने दो ऑप्शन आ जाएंगे कि आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना चाह रहे हैं या एप्पल स्टोर से यानी दोनों एप्लीकेशन अवेलेबल हैं अगर आप आई यूज़ करते हैं तो भी आपके लिए एप्लीकेशन अवेलेबल है अगर आप एंड्रॉयड मोबाइल यूज़ करते हैं तो भी एप्लीकेशन अवेलेबल है एप्लीकेशन एंड्राइड फ़ोन की मैं आपको शो करा दूंगा इसी तरीके से आप एपल की भी डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है मोबाइल ऐप पेयरिंग कोड और यहाँ पे लिखा हुआ है शो पेयरिंग कोड ये जहाँ पे मैं एरोड घुमा रहा हूँ आप इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपके सामने एक स्कैन बार कोड शो हो जाएगा लेकिन ये भी जहन में रखें कि ये स्कैन बार कोड आप ही स्कैन करें आपका कोई और बंदा कोई और दोस्त इस स्कैन बार कोड को स्कैन ना कर सके आपका सामने ये स्कैन बार कोड ओपन हो जाएगा और अभी आपको मैं दिखाता हूँ कि आप अपने मोबाइल एप्लीकेशन के ज़रिए से कैसे एक्सेस कर सकते हैं अपने इस ब्लॉक चैन ई वॉलेट को जीत नाजरीन इस वक्त आपके सामने मोबाइल की स्क्रीन है और यहाँ पे आपने क्या करना है सबसे पहले आपने प्ले स्टोर पे जाना है प्ले स्टोर पे जाके आपने ब्लॉक चैन लिखना है अब देखें इस वक्त मेरे पास ब्लॉक चैन जो है वो ऑलरेडी इंस्टॉल है तो आप यहाँ से भी इसको ओपन कर सकते हैं या आप यहाँ से अगर नहीं करते तो आप स्क्रीन पे चले जाएंगे ये फेसबुक के ऊपर लिखा हुआ है ये ब्लॉक मैं इसको क्लिक करता हूँ अब यहाँ पे ये दो तीन ऑप्शन दे रहा है कि क्रिएट एन अकाउंट लॉग इन और रिकवर फंड हमने लॉग इन करना है अब लॉग इन जैसे हम करेंगे तो यहाँ से ये पूछ रहा है कि भई आप क्या करें पेयरिंग कोड करें या मैनुअली पेयरिंग करें मैनुअली पेयरिंग भी होती है कि आपके पास कुछ अल्फाज सामने होते हैं या महफूज होते हैं जो आप लैपटॉप या डेस्कटॉप के जरिए से अपने ये वॉलेट को यूज़ कर होते हैं सेकेंड आपके पास तरीका होता है कि आप उसको डायरेक्टली स्कैन कर लें जैसे भी लैपटॉप के ऊपर अगर आप देखते हैं तो वहाँ पे आपको ये शो हो रहा है एप्लीकेशन शो हो रही हैं और यहाँ पे लिखा हुआ है शो पेयरिंग कोड आप इसको क्लिक करते हैं शो पेयरिंग कोड को तो ये आपके सामने पेयरिंग कोड शो हो चुका है इसको जो बंदा स्कैन करेगा तो आपका ये वाला वॉलेट उसके मोबाइल के अंदर काम करना शुरू कर देगा तो इसलिए ये भी आपने अपने पास ही सेव रखना होता है हाँ आप अपने मोबाइल के ज़रिए से इसको शो पेयरिंग करेंगे जैसे अभी मैं ये मोबाइल के ज़रिए से करने लगा हूँ ये देखें स्कैन पेयरिंग कोड को मैं क्लिक करता हूँ ये स्कैन करना शुरू कर चुका है अब देखें जैसे मैं इसके सामने लाता हूँ ये जैसे सामने लाया अब ये मांग रहा है कि क्रिएट पिन अब आप, आपने अपनी मर्जी की पिन अकाउंट जो है वो क्रिएट करना है आप लैपटॉप के ज़रिए से लॉगिन करेंगे तो आपको आ, जो पासवर्ड है वो यूज़ करना पड़ेगा मोबाइल के ज़रिए से करेंगे तो आपने पिन इस्तेमाल करनी है यहाँ पे मैं अपनी मर्ज़ी की पिन देता हूँ जैसे आ, ये मैं थोड़ी से आई डी देता हूँ आपके सामने सिर्फ आपको ये नज़र आएंगे ये चार डिजिट के ऊपर आपने पिन लगानी है कंफर्म में आपने दोबारा से वही लगानी है अब देखेंगे ये वॉलेट आपके सामने ओपन होना शुरू हो चुका है ये वॉलेट शुरू हो चुका है ओपन अब मोबाइल पर यह बड़ा ईजी है इस्तेमाल करना इसको आपने डॉलर रिसीव करने या सेंड करने रिसीव करने के लिए आपने इसको क्लिक करना है ऊपर आपने देख लेना है कि ऊपर आपने बिटकॉइन ही आपने सेलेक्ट किया हुआ है आप बिटकॉइन करेंगे तो बिटकॉइन का एड्रेस आएगा आप जो भी करेंसी इन चार पांच करेंसीज में से जो करेंसी सेलेक्ट करेंगे आपको उसी का एड्रेस मिलेगा या तो इसको बंदा स्कैन कर लेगा आपको डॉलर सेंड करने के लिए या दूसरे नंबर पर यह कि इसको आप करेंगे कॉपी ये आपने रिसीव करने थे किसी से ये भी तरीका ठीक है आपने कॉपी कर लिया आपने किसी को सेंड करने है तो आपने सेंड वाले बटन को क्लिक करना है यहाँ पे उसका एड्रेस ऐसे ही पेस्ट करना है ये पेस्ट हो गया अगर आपको बी की वैल्यू में नहीं पता तो आप बिल फर्ज उस बंदे को पाँच डॉलर सेंड कर रहे हैं तो ज़ीरो पॉइंट सेंड होंगे और यहाँ से क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली उस बंदे के पास जाके अप्रूव हो जाएंगे यही तरीका होता है कि आप बी टी सी ब्लॉक चैन वॉलेट से किसी बंदे को बी टी सी थीरियम कैश या स्टेलर या यू एस डी आप उस बंदे को सेंड कर सकते हैं और उससे रिसीव भी कर सकते हैं लॉग आउट करने के लिए आप इसको यहाँ से लॉग आउट कर सकते हैं तो ये बड़ा ईजी है अगर आपके पास फिंगरप्रिंट वाला मोबाइल है तो आप इसको फिंगरप्रिंट के ज़रिए से भी लाग इन कर सकते हैं